जय माँ काली। आज हम माँ काली के कॉस्ट्यूम में लगने वाले सभी चीज बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मुंड बना रहे हैं थर्माकोल पर। अगर आपके पास थर्माकोल ना हो तो हार शीट में भी बना सकते हैं। मुंड का शेप ड्रॉ करने के बाद हम इसमें आँखों में, नाक में और जहाँ पे मुँह होता है, मतलब माउथ होता है, वहाँ पे थोड़ा सा हॉलो कर देंगे। थर्माकोल निकाल के ऐसे गड्ढा गड्ढा कर देंगे और उसको ब्लैक कलर या मार्कर से, ब्लैक मार्कर से उसे पेंट कर। अब इस स्कल को, मुंड को हम चाकू की हेल्प से साइड साइड से सारा थर्माकोल निकाल। हमारा मुंड तैयार है। इस तरह से मैंने थर्माकोल में बहुत सारे स्कल तैयार कर लिए हैं। इन सब को अब एक धागे में, यहाँ मैं ऊन का धागा ले रही हूँ, उसको डबल करके और सबको सेलो टेप की हेल्प से सारे स्कल इसमें पेस्ट कर दूंगी। ये मुंड की माला माता जी के लिए तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे हाथों की माला जो कमर में बांधते हैं वो। इसके लिए हम किसी भी कपड़े के डिब्बे जो आते हैं उस पे हाथ ड्रॉ कर लेंगे। यदि आप अच्छे से हाथ ड्रॉ नहीं कर पा रहे तो अपने हाथ को रख के उसका छापा ले सकते हैं। और हो गया हाथ तैयार। अब हम हाथों को कलर कर लेंगे। यहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज कर रही हूँ। के बाद इसको ऑयल पेस्टल कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा लुक आए। अब ये रेड कलर से हम ब्लड दिखा देंगे कि हाथ कटा है तो खून तो निकलेगा ही ना। ये सफ़ेद सफ़ेद नाखून भी थोड़े थोड़े दिखा दिए, राक्षस के हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून तो होंगे। अब इस हाथों को हमने कट कर लिया। इस तरह से ढेर सारे हाथ मैंने बना लिए। ये हाथ माधवी ने बनाया था। अब हम यहाँ पे कोई सा भी थोड़ा लंबा सा पतला सा पुराना कपड़ा ले लेंगे कट करके, और इसमें हम सभी हाथों को, मैं यहाँ पे स्टेपल से इसको अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो सिल सकते हैं सुई धागे से या फिर चिपका सकते हैं। इस तरह से सारे हाथ हम इसमें अटैच कर देंगे। ये सारे हाथ अटैच हो गए। अब इसको उल्टा करके यहाँ पे, क्योंकि पिन लगे हुए स्टेपल है तो या तो कपड़े को फोल्ड करके चिपका दीजिए या तो मैंने यहाँ पे ऊपर से टेप लगा दिया ताकि कपड़े में जो भी इसे पहने उसे पिन चुभे नहीं, स्टेपल के पिन्स। मुकुट और माँ काली के अस्त्र का वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, उसे भी ज़रूर चेक करिए। अब यहाँ पे मैंने लाफिंग डॉल जो होता है वो लिया है और उसके बालों को मैंने ऊन से बना दिया है, चिपका के कट करके ऊन को कट किया और चिपका दिया। अब इसकी आईज, आईब्रोज, मूंछ ये सब मार्कर से बड़े बड़े बना दिए और तिलक भी लगा दिया और गर्दन कटी है तो ब्लड तो दिखाना ही पड़ेगा। ये हमारा क्यूट सा राक्षस तैयार है। आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी ज़रूर दबा।